मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें तो करना परेशान हो गए हम लोग ढाई साल से नमस्ते सत्यकाल आदाब केम छो उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे आज जो हम एपिसोड डिस्कस करने वाले हैं वो एपिसोड है जिसमें एंट्री होती है रक्षंदा खान और रागिनी खन्ना की जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ जितने भी एपिसोड में जिन भी सेलिब्रिटीज़ की से एंट्री होती थी ना तो वो एंट्रीज हमें हमें नहीं एक्चुअली गौरव जग्गी को और अभिनव को वो पहले से अपने रूम से दिख जाता था बस लास्ट एपिसोड में जैसे आपने देखा लास्ट एपिसोड में गौरव भाई यहाँ से जा चुके हैं तो गौरव भाई की यहाँ से एलिमिनेशन हो चुकी है तो उसके बाद अभिनव का आई थिंक रूम वहाँ से शिफ्ट कर दिया गया था और उसके बाद अब हमें जो पहले से एक इंटीमेशन मिल जाता था ना कि कौन सेलिब्रिटी आने वाला है तो वो वाली चीज़ अब यहाँ से बंद हो चुकी थी एक्चुअली यूनिट को भी पता लग चुका था कि लोगों को पहले से पता लग जाता कि कोई सेलिब्रिटी जो उनसे आने वाली ना इनको थोड़ी सी भनक हो जाती है तो हमें क्या करते थे पहले से वहाँ से हमारे रूम से निकाल के एक जो कॉर्नर था अदर कॉर्नर था वहाँ पे हमें शिफ्ट कर दिया जाता था उसके बाद वो सेलिब्रिटी सी एंट्री हो जाती थी उसके बाद हमें वहाँ से मूव किया जाता था तो हमें पहले ही यहाँ पर ना कोई खबर नहीं थी कि कौन आने वाला है तो जो हमारी प्रोडक्शन टीम थी जो हमारे प्रोड्यूसर्स थे जो हमारी बाइट्स लेते थे उन्होंने हमें सुबह ना ब्रीफ किया एक कि वैसे ही कि यार कोई आज ना कोई स्पेशल कोई ऐसी सेलिब्रिटी आने वाली है और वो तुम्हें ना टास्क देंगे जस्ट एक ब्रीफ किया आ, हर कोई ये कहता है ना स्क्रिप्ट script, स्क्रिप्टेड script, नहीं होता यार छोटी सी एक ब्रीफिंग हो जाती है कि हमें थोड़ा सा एक आइडिया हो जाए और वो आइडिया भी अभी मैं बताता हूँ वो किस लिए था वो उन्होंने थोड़ा सा ब्रीफ किया कि कोई ऐसी सेलिब्रिटीज आने वाली हैं और आपको ना आज टास्क देंगे कि किसी के ऊपर पोज करना है या कुछ ऐसा कुछ बोलना है कुछ मतलब कि रोमांटिक कुछ ऐसे बोलना है तो उन्होंने हम जो लड़के थे उनको कहा कि आज है ना अपने अंदर का ना शाहरुख खान निकालो तो ऐसा उन्होंने थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया था तो उसी रीज़न से ना जो थोड़े बहुत जो डायलॉग हम बोल भी रहे थे या मैं भी जो बोल रहा था वो वहीं से आ रहे थे हमारे पास कोई मोबाइल नहीं था हमारे पास कोई सोर्स ऑफ इंटरनेट नहीं था कि हम जहाँ पे जाके कुछ देख सकें तो जितना कुछ भी थोड़ा सा कुछ याद था ना मूवीज़ के थ्रू या थोड़े बहुत जो छोटे मोटे डायलॉग्स या थे तो वो वहीं से ही बाहर निकल रहे थे जो ब्रीफिंग की थी ना ब्रीफ के टाइम पे थोड़ा ही आपस से बात करके कि हाँ यार वो वाला सीन तुझे याद है वो वहाँ पे वो कौन सा डायलॉग था तो वो चीज़ें वहीं से निकल रही थी तो एंट्री होती है यहाँ पे रक्षिंदा खान की और रागिनी खन्ना की तो एपिसोड के स्टार्टिंग में जो रक्षिंदा खान है उसको भेज दिया जाता है रतन के साथ बात करने के लिए और रागिनी खन्ना बाकी जितने लड़के थे हम उनके पास आ जाती है और यहाँ पे ऐसा दिखाया जाता है कि वो हमें डांस के लिए यहाँ पे गाइड करेगी और बाकी चीज़ों के लिए हमें गाइड करेगी वो भी अभी आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में क्या था यहाँ पे सच्चाई क्या थी दिखाया गया जाता है और सच्चाई क्या थी तो यहाँ पे टास्क दिया जाता है सभी को कि बारी बारी की रागीगिनी खन्ना को रतन समझ के प्रपोज़ करना है तो सबकी बारी बारी यहाँ पर क्लास लगती है एक तरह से सब आते हैं और सब अपना अपना ट्राई करते हैं तो वही वाली जो चीज़ थी ना सुबह जो मॉर्निंग में जो चल रहा था जो ब्रीफिंग हुई थी कि प्रपोज़ करना है वो वाली चीज़ यहाँ पे काम आई <laughs> जो मेरे वाला यहाँ पे डायलॉग था या जो भी यहाँ पे चीज़ थी वो वहीं से निकल के आई थी तो यहाँ पे यानी कि उन्होंने बोला कि हाँ जाके ना उसको प्रपोज करना यार मैं बहुत इस चीज़ में ना बहुत कच्चा हूँ मुझे इन चीज़ों का ना कोई बिल्कुल भी कुछ नहीं आता मुझे ना तो मैं चला गया वहाँ पे जो भी वहाँ पे डायलॉग याद किए थे वो बोल दिए जैसा जो हुआ बस निकल गया उसके बाद सभी ने स्लोली स्लोली ट्राई किया आ, अपने सुरेश जी की सुरेश जी की बारी आई सुरेश जी को बोला गया कि सलमान खान के अंदाज़ में प्रपोज करो रतन को प्रपोज करो तो सुरेश जी ने चलो जो भी था बहुत बढ़िया किया ऐसे सबकी बारी आने के बाद उसके बाद बारी आती है दीपक पंडित की और दीपक पंडित का यहाँ पे जैसे टास्क चल रहा होता है ना उसी टाइम पीछे से एंट्री हो जाती है रतन की और रक्षंदा की <laughs> और वो दिखाया ऐसे ज़्यादा कि एकदम से रतन वहाँ पे शॉक हो गई जबकि ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है वही जब एपिसोड शूट हो रहा होता है ना तो वहां पे रतन और अक्षंता वो एक कॉर्नर से ना वो चीजें देख रहे होते हैं कि हाँ यहाँ पे क्या चल रहा है बट आप अगर एपिसोड में देखोगे ना एपिसोड में डिफरेंट लगेगा कि हाँ वो किसी और जगह पे बैठे हैं और वो वहाँ पे बात कर रहे हैं वो कुछ नहीं ऐसे बात कर रहे थे वो साइड से देख ही रहे होते हैं बट हमारे लिए भी बड़ा एकदम से शॉकिंग हो जाता कि रतन की और रक्षिंता की वहाँ से एंट्री हुई और दीपक मंडी तो वहां पे पकड़ा गया तो बढ़िया था यार ये वाला बहुत फनी है यहाँ पे सारा सीन क्रिएट हुआ बहुत बढ़िया यहाँ पे मजा आया जो भी टास्क दिए गए थे बहुत सही था उसके बाद यहाँ पे रक्षिंदा खान सभी लड़कों को एक बात पूछती है और मैंने ना पहले भी वाली चीज़ का बताया जब जैसे लोहा सिंह जी आए थे ना सुदेश बेरी जी आए थे तो उन्होंने भी एक चीज़ वहाँ पे पूछी थी मुझसे भी एक सबसे सेपरेट सेपरेट क्वेश्चन पूछे थे जो मुझसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था ना कि आप दहेज अगर आपको कहा जाए कि आप दहेज दोगे दहेज देने के बारे में पूछा मुझसे तो ये वाली जो सी छोटी छोटी चीज़ें होती ना जो पूछी जाती है जो सेलिब्रिटीज जो आते हैं जो जो गेस्ट आते हैं वो जो पूछी जाती है ना चीजें ये इसलिए नहीं पूछी जाती कि वो वैसा करना ही पड़ेगा आपको वो दूसरे इंसान का रिएक्शन देखने के लिए किया जाता है इस चीज़ को मैं एक आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड आएगा मैं उसमें आप इस चीज़ को इस चीज़ को मैं और ज्यादा डिस्क्राइब भी करूँगा कि हर चीज ना जो कही जाती उसका वो एक्चुअल में मीनिंग नहीं होता तो यहाँ पे रक्षंदा ने सभी लड़कों को कहा कि अगर सभी लड़कों मैंने रतन के मम्मी पापा से बात की और वो चाहते हैं कि उनके जो सन इन लॉ वो रतन का सरनेम क्या आप लोग ये करने के लिए राजी हैं में से जिसकी शादी होती सभी लड़कों में शादी होगी रतन की अगर उसको कहा जाए कि वो अपना सरनेम चेंज कर ले तो अब यहाँ पे एकदम से रिएक्शन जो लड़कों का निकल के आया ना सभी ने मना कर दिया अभिनव ने तो इस हद हाँ तक भी कह दिया कि अगर कोई लड़का अपना सरनेम छोड़ देता है तो वो यानी कि बाकी सब भी छोड़ सकता है उसके लिए अगर अपना सर ने भी छोड़ दिया उसके बाद उसने लाइफ में कुछ भी छोड़ सकता है रतन को भी छोड़ सकता है कल को वो अपना फैमिली नेम छोड़ सकता है वो कल को रतन को छोड़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगा तो ये वाली बात मेरे को इतनी जेनवर नहीं लगी बट फिर भी ये वाली जो चीज कही गई थी ना या ये वाली जो चीज पूछी गई थी ये सिर्फ इसीलिए पूछी गई थी कि देखने के लिए कि सभी लड़कों का इसमें क्या रिएक्शन होता है जैसे यहां पे राहुल का बड़ा फनी सा रिएक्शन था जो राहुल ने जवाब दिया कि हम हाँ बैंक में इसको ऐसे चेंज कर लेंगे और एक्चुअल लाइफ में इसको ऐसे चेंज कर लेंगे बट तो, नाम रतन तो, राजपूत चलेगा ऑन पेपर्स दूसरा भी ऐड करवा देंगे क्या प्रॉब्लम चेक वेक अपना उस नाम से करना और बाकी फिल्मी नाम रतन राजपूत कर ये सिर्फ इसलिए देखने के लिए होता है कि जो लड़के हैं जो जितने भी वहां पे लड़कों को बुलाया गया उनका रिएक्शन क्या होता है वो इस चीज पे रिएक्ट कैसे करते हैं तो एक्चुअल में इन चीजों को इन चीजों का वो मतलब नहीं होता जो आपको ऑन स्क्रीन देखने के टाइम लगता है तो रक्षंदा और रागिनी की एंट्री के बाद आज का पहला टास्क दिया जाता है। ये वाला एक तरह से आज का पहला टास्क था जो पहले था वो तो अभी तक फन चल रहा था कि इसको प्रपोज करना है अब जो ये वाला टास्क था ना ये वाला टास्क था रतन को हंसाने का कि र... अब ये जो सोफा है, रतन के पास मैं चाहती हूँ कि एक एक करके आप इस खाली जगह को भरें, आप आए यहाँ बैठ और हमारी ये जो सी लड़की है अगले दस मिनट तक हसेगी नहीं आप लोगों को दिए जाएंगे आपको रतन को हंसाना है आप रतन को यहाँ पे हंसाना है अब भाई यार यहाँ पे ना ये वाली चीजें जो एकदम ऑन द स्पॉट वाली जो चीजें होती है ना थोड़ी मुश्किल हो जाती है अगर आप इस चीज के लिए पहले से थोड़ा प्रिपेयर होना वैसे तो पहले जो सा सुबह आज उन्होंने ब्रीफ किया था ना वो प्रिपेयर के होने के बाद भी ना इतना बढ़िया नहीं गया बट ये वाली जो उन एकदम सडनली उन्होंने कहा कि अब आपको एक टास्क करना जो रतन को हंसाएगा ना वो रतन के साथ आज डेट पे जाएगा उन्होंने इस तरह से मतलब कि बोला कि आज का टास्क है आपको रतन को हंसाना है तो सभी अपनी अपनी बारी यानी कि सबकी आती है पंकज सोनी आता है वहाँ पर पंकज सोनी अपना रैप करने की कोशिश करता है <laughs> कोशिश करता है बट वहाँ पर कुछ नहीं हो पाता तो धीरे धीरे सभी की बारी आती है दीपक पंडित भी आता है दीपक पंडित वहाँ पे डांस करके दिखाता है रतन को फनी डांस करता है बट उससे भी कोई फायदा नहीं होता उसके बाद मेरी आती है मैं भी कुछ कोशिश की कुछ करने की एक छोटा सा वाहिया सा जो था वो क्रैक करने की कोशिश की बट उससे भी रतन को कोई फर्क नहीं पड़ता है तो उसके बाद सबके ट्राई करने के बाद बारी आती है अनुपम की में नहीं रहेंगे हमारे वहाँ पे रंग बिरंगे बच्चे पैदा हो जाएंगे क्योंकि धूल धुआं और स्नो पड़ता है वहाँ पे दो आई थिंक इसको आगरा भेज तूर अब यहाँ पे अनुपम आके रतन को हंसाने की कोशिश करता है रतन नहीं हंसती है बट सडनली एक चीज हो जाती है यहाँ पे और वो होता है कि वो नाम लेता है वो दो तीन बार उसको कॉन्टिन्यूसली वो नाम लेता है और रतन हंस पड़ती है और बहुत जोर से हंस पड़ती है और इसी से हो जाती है बहुत बड़ी लड़ाई जो शो में अभी तक ऐसी नहीं देखने को मिली थी अनुपम नाम लेता है सुरेश जी का टी सुरेश टी सुरेश टी सुरेश और रतन हंस पड़ती है और इस एपिसोड से पहले एक जगह पे ये हुआ था कि रतन ने सुरेश जी को कहा था कि आप स्टैंड नहीं लेते हो जब भी कोई आपको कुछ गलत बोले तो आप वहाँ पे स्टैंड लो तो सुरेश जी यहाँ पे लेते हैं स्टैंड उस सुरेश जी यहाँ पर थोड़ा सा अब्यूजिव हो जाते हैं और वो अब लैंग्वेज वो सभी को बहुत बुरी लग जाती है वो लड़ाई बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ जाती है ना? लोगों का नाम लेके मर्द तो देखा क्यों क्यों का और अनुपम की और टी सुरेश की यहाँ पे लड़ाई हो जाती है और यह सब कुछ ऑन स्क्रीन रिकॉर्ड हो जाता है जबकि ऐसा मतलब कि इतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी बट लेकिन वो जो पिछले एपिसोड जो गए ना जहाँ पे टी सुरेश जी को सब ने पॉइंट आउट किया था स्टैंड लेने के लिए कि जब उनका मजाक उड़ता है तो उनको स्टैंड लेना चाहिए तो टी सुरेश जी ने आज लिया स्टैंड और उनके साथ आज ये वाली चीज़ हो गई और ये वाली फाइट हो गई और ये माहौल बहुत ही एकदम से वहाँ पर ख़राब हो गया बट इसको किसी तरह से वहाँ पर मैनेज किया गया टी सुरेश जी को थोड़ा काम डाउन किया गया उधर से अनुपम को थोड़ा काम डाउन किया गया तो चीजें थोड़ी सी ठीक हो गई तो बेटर हो गया उसके बाद फिर ये वाली टास्क और आगे बढ़ती है तो इसके बाद खान सभी लड़कों को एक और टास्क देते हैं आज के दिन का टास्क की रतन को प्रपोज करना है सभी ने बारी बारी जाके रतन को करके उनको बुलाते हैं आप यहाँ खड़े रहिए आपके सामने आके वो आपको प्रपोज करेंगे और आप मुझे बताइए सबसे ज्यादा रोमांटिक प्रपोजल किसका प्रपोज करना है तो सबसे पहले पंकज वहां पे जाता है और कोशिश करता है रतन को प्रपोज करने की और उसके बाद राहुल एक यहाँ पे आ, उसके प्रपोजल पे कमेंट करता है बड़ा फ़नी कमेंट था ये वाला भी उसके बाद सभी की बारी आती है धीरे धीरे सभी जाते हैं उसके बाद बारी आती है टी सुरेश जी की और टी सुरेश जी की जो लड़ाई थी ना उसके बाद माहौल थोड़ा खराब हो गया था और जो उन्होंने अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ की ना आ, उससे ज़्यादा थोड़ा काम खराब हो गया था सुरेश जी का और रतन ने जो रिएक्ट किया यहाँ पे उस चीज़ की वजह से वो भी बहुत ख़राब हो गया था माहौल उससे सुरेश जी को बहुत बुरा लगा होगा डेफिनेटली और वो बुरा लगने वाली चीज़ भी थी तो चीज़ें यहाँ पे ना हीट ऑफ द मोमेंट कह लो कि जैसे अनुपम ने सुरेश जी का नाम लिया हीट ऑफ द मोमेंट में टी सुरेश जी ने वो वहाँ पे उसको अब्यूज़ कर दिया और फिर उसके बाद ये प्रपोज वाला सेकेंड टास्क आ गया तो यहाँ पर सुरेश जी ने प्रपोज़ किया तो हीट ऑफ द मोमेंट में जो रतन ने जो माहौल देखा था तो उन्होंने रतन ने टी सुरेश जी को वहाँ पर सुना दिया तो वो चीज़ें चलो ठीक है हीट ऑफ द तो मोमेंट में अगर वो चीज़ें हुई वो ठीक है यार वो समझ में आती हैं बट इतनी चीज़ें ख़राब नहीं थी जितनी वहाँ पे ख़राब होती जा रही थी या चीज़ें वहाँ पे बहुत ख़राब हो गई उसके बाद जैसे मेरी बारी भी आती प्रपोज करने की तो वही जो सुबह वाली ब्रीफिंग थी ना ये वाली चीज़ चीज़ें वहीं से निकल के आई थी तो जब भी मैं अपनी आँखें बंद करता हूँ मुझे आपका चेहरा दिखाई देता है और जब भी मैं अपनी आँखें खोलता हूँ मैं आपका चेहरा देखना चाहता हूँ और जो आपकी स्माइल है मैं उसको महसूस करता हूँ